हत्याकांड में आरोपी निखिल हांडा को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। निखिल हांडा की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस से फिर से हांडा की पुलिस रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उधर आपको बता दें, शैलजा हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मेजर निखिल हांडा ने वारदात के बाद सबूत मिटाने के लिए गूगल का सहारा लिया। जी हाँ, गूगल का सहारा लिया। सूत्रों के मुताबिक शैलजा के हत्या के बाद निखिल हांडा ने अपने मोबाइल फोन पर सबूत मिटाने के लिए ट्रिक के नाम से सर्च किया था। इसके अलावा उसने गूगल में भी ये सर्च किया था कि कार में लगे खून के धब्बे को कैसे मिटाया जाए और खून करने के बाद कपड़ों को कैसे नष्ट कर दिया जाए। रजनीश हमारे सहयोगी और ज्यादा बेस के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, यानी कि कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब की पुलिस को जरूरत थी, दरकार थी, इसलिए शायद पुलिस कस्टडी पुलिस रिमांड बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट नहीं मानी और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। देखिए कविता, आज मेजर हांडा को दिल्ली के पटियाला उस कोर्ट में पेश किया था क्योंकि आज उसकी 4 दिन की रिमांड पूरी हो रही थी। पुलिस कोर्ट में पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि जो भी जो सीक्वेंस थे जो इस पूरी वारदात के और जो पूरे सबूत थे वो सबूत सारे जुटा लिए गए हैं, सारे सीक्वेंस जो है टैली कर लिए गए हैं, सारे सीन को सीक्वेंस को रिक्रिएट कर लिया गया है और पूरे जो तथ्य हैं और पूरे जो जो सबूत है उन्हें जो है प्राप्त कर लिया गया है और अब उनको मेजर हांडा की रिमांड नहीं चाहिए। इसके बाद जो पटियाला हाउस कोर्ट है उसने मेजर हांडा को 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें भेज दिया। फिलहाल अब पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है, लेकिन इसमें एक बात और खास बात यह है कि मेजर हांडा के पास से जो 2 मोबाइल बरामद हुए थे उसमें जो जब पुलिस ने आईटी जो डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ है और दिल्ली पुलिस की जांच टीम है जब उन्होंने उस दोनों मोबाइलों की जांच की तो उसमें पाया कि शैलजा की हत्या करने के बाद मेजर हांडा ने अपने उन्हीं मोबाइलों के जरिए गूगल सर्च किया था और उसमें ये सब लगातार कर रहा था कि आखिर कैसे जो गाड़ी के अंदर शैलजा के खून के धब्बे लगे हुए हैं उन्हें कैसे मिटाया जाए ताकि दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ न लगे। साथ ही उसने गूगल पे यह भी सर्च किया कि वो जो कपड़े जो पहने हुए थे उसे कैसे ठिकाने लगाया जाए। फिलहाल जो मेजर हांडा वो 14 दिन की जेसी में भेज दिया गया है। यानी सेना का अफसर लेकिन इस तरह से बर्ताव कर रहा था जैसे कोई शातिर गुनहगार हो।